नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, च्यवनप्राश हर घर में खाया जाता है, बच्चे को खिलाया ही जाता है। कहा जाता है इससे शक्ति मिलती है। आज हम आपको बताएंगे च्यवनप्राश है क्या और इसकी खाने की विधि क्या है। आप इस खाने की विधि को डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि 40 से 50 घटकों को मिलाकर बनाया जाता है। च्यवनप्राश बनाने के लिए शहद से लेकर के घी से लेकर के आपके घर पे या आपके किचन में मिलने वाली छोटी छोटी औषधियाँ, जैसे कि दालचीनी हो गई, लौंग हो गया या तेजपत्ता हो गया, हल्दी हो गई, केसर हो गया, इलायची हो गई, और लगभग 30 से 35 जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय हो गया, कचूर हो गया, मैदा हो गया, उषभक हो गया, सिद्धि हो गई, छीर हो गई, इन सबको मिला करके ये बनाया जाता है। इन सब की अपनी अपनी मात्रा जो कि फिक्स मात्रा है डाली जाती है। दोस्तों, च्यवनप्राश में आंवला एक मुख्य घटक होता है, इसलिए यह एक विटामिन सी का मुख्य स्रोत है जो खांसी जुकाम के लिए भी बहुत फायदा करता है। शरीर में गर्माहट लाता है और ताकत देता है, ठंडी के लिए रामबाण है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि च्यवनप्राश को कैसे खाना चाहिए। शिशुओं को तो इसका सेवन आप नहीं करा सकते, वो उचित नहीं होगा दोस्तों, लेकिन 2 से 5 साल के बच्चों को आप दिन में एक बार आधा चम्मच च्यवनप्राश दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आप एक बार एक चम्मच च्यवनप्राश दे सकते हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप 1 से 2 चम्मच सेवन च्यवनप्राश का करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो बड़े हैं वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी दिन में आधा चम्मच च्यवनप्राश खा सकती है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें फलों के स्वाद में भी आजकल उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने च्यवनप्राश खाया है तो 15 मिनट के अंदर आपको कोई भी चीज़ और नहीं खानी चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। साथ ही दोस्तों, च्यवनप्राश का सेवन करने के लिए कुछ नियम आपको बताता हूँ। कुछ लोग इसको दूध के साथ खाते हैं, कुछ लोग पानी के साथ, कुछ लोग घी के साथ, संभव है आप किसी के साथ भी खाएं, लेकिन उसके बाद आप आधे घंटे का गैप ले लें। संभवतः आप च्यवनप्राश को घी के साथ न खाएं, क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, यह आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। दोस्तों, च्यवनप्राश आप पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन आपने अगर समझो आधे ग्लास पानी के साथ च्यवनप्राश खा लिया, उसके बाद आधे घंटे तक आप पानी मत पीजिए। होता क्या आपको दोस्तों बताता हूँ, आपने च्यवनप्राश खाया, पानी के साथ ले लिया, इनिशियल पानी तो उसको केवल डाइल्यूट करने के लिए साथ में लिया, लेकिन अगर आप वापस बीच में पानी पीते हैं तो उसे फ्लश आउट करता है। जी हाँ दोस्तों, होगा क्या कि आप च्यवनप्राश ले रहे हैं कि उसमें के न्यूट्रिएंट्स आगे यूज हो सके, लेकिन वैसा होता नहीं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान रखें, च्यवनप्राश हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है, लेकिन लिमिट में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।